बहुत ज़्यादा परेशानी का बने रहना, ऑल ऑफ सडन कभी ऐसा फील होना कि ना डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको आजकल ना हर दूसरे घर के अंदर देखने को मिलेगी, जिसको कहा जाता है डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा परेशानी का बने रहना, ऑल ऑफ सडन कभी ऐसा फील होना कि ना डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको आजकल ना हर दूसरे घर के अंदर देखने को मिलेगी, जिसको कहा जाता है डिप्रेशन। एक तो कभी कभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, अब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है और साथ साथ में घर के अंदर रखा हुआ कुछ सामान उस सिचुएशन को सपोर्ट कर दे तो क्या होगा, डिप्रेशन को कहीं ना कहीं ला देगा। तो आज मैं शेयर करूंगा कि आपको वास्तु के दृष्टिकोण से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है घर के अंदर किसी भी सामान को लाते हुए, या स्पेसिफिकली मैं बात करूं किसी भी स्टैचू को खरीदते हुए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा अंतर्मन जो है वो किस तरह से चीज़ों के साथ जुड़ता है। आप सब जानते हैं कि हमारा अंतर्मन जो है ना वो केवल और केवल किसको समझता है, वो जो देखता है ना उसके साथ कनेक्ट कर लेता है। जो चित्र आपने बचपन से आज तक देखे ना वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर प्रिंट है। अगर इसको ट्राई करना चाहते हैं तो अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके ही अपने रूम को देखने का प्रयास कीजिए जहां आप सोते हैं। आंखें बंद करके ही उस स्पॉट को देखने का प्रयास कीजिए जहां पर आप अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं। आंखें बंद करके ही अपनी गाड़ी, अपने स्कूटर, अपने व्हीकल को देखने का प्रयास कीजिए। तो हर वो चीज़ जिसके अंदर आप सुबह से शाम तक रहते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस, आपका अवचेतन जो है उसके साथ कनेक्ट कर जाता है। अब ये जो सबकॉन्शियस अवचेतन अगर उस चीज़ के साथ कनेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नेगेटिव मैसेजेस देती। तो सबसे पहले ये तो आपने समझ लिया कि हमें सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से हमारे लिए काम करता है। अब ये चीज़ जानिए कि स्टैचूज लेते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखी जाती है किसी भी स्टैचू को लेते हुए वो ये कि स्टैचू जो है ना उसका चेहरा जो है ना हमेशा मुस्कुराता हुआ हो, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा ही अब आपके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट करेगा और आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को ऐड करेगा। अगर यही स्टैचू का चेहरा डिप्रेसिव स्टेट के अंदर नजर में आ रहा है ना, तो सिचुएशंस अगर अनुकूल नहीं है आप पक्का डिप्रेशन के अंदर जाएंगे। वहीं ठीक इसके विपरीत अगर स्टैचूज आपके घर में मुस्कुराते हुए हैं, सिचुएशंस जब भी अनुकूल नहीं होंगी आप डिप्रेशन के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, आपके घर के अंदर कोई भी ब्रोकन स्टैचू ना हो, कोई भी टूटा हुआ स्टैचू ना हो, क्योंकि स्टैचू जिस हिस्से से टूटा हुआ होगा ना आपकी बॉडी के उसी पार्ट पे ना स्ट्रेस पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे और आपका सारा टेंशन, सारी ध्यान जो है ना वो कहीं ना कहीं कहाँ लगा रहेगा, उसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे लगा रहेगा। तो कभी कभी ये रोग को भी जन्म देता है उसी पर्टिकुलर शरीर के हिस्से में, तो खास इसका ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम खंडित मूर्तियां जो हैं वो सबसे पहले जल प्रवाहित कराते हैं। तीसरी, अब जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी भी कोई स्टैचू ऐसा ना घर के अंदर लेकर के आए जो केवल और केवल सर के हिस्से को बताता हो, क्योंकि सर का हिस्सा जो है वो किसको बताता है, राहु को बताता है। राहु के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाई है जो कि लिंक आप आई कार्ड में देख पाएंगे। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि राहु जिंदगी के अंदर काम कैसे करता है। तो अब ये जानिए कि अगर आप कोई भी स्टैचू ऐसा लेकर के आते हो जो केवल और केवल सर के हिस्से को बताता है तो आप देखोगे ऑल ऑफ सडन ना आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना सबसे ज्यादा प्रेशर आप उसका लेना शुरू कर दोगे जो व्यक्ति उस स्टैचू को सुबह शाम देखता है। तो आपके माइंड के ऊपर एक अलग सा प्रेशर बना रहेगा, या आप सिचुएशन को समझने में विफल हो जाओगे, या कभी कभी आपका माइंड बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको नजर में आएंगी जब जब भी एक घर के अंदर सिर्फ सर का हिस्सा स्टैचू के रूप में हो। तो ये इन सारी बातों का ध्यान रखिए किसी भी एक स्टैचू का चुनाव करते हुए। ट्रिनिटी वास्तु, वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु परिवार का हिस्सा बनने के लिए, ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए फेसबुक ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ताकि लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। और साथ ही साथ में मुंबई आ रहा हूं न्यूमरोलॉजी का सेमिनार लेकर के, जो लोग भी जुड़ना चाहें स्ट्रिप में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए।
आप सबके जीवन के अंदर खुशियां हमेशा आती रहें, आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे, इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को अभी के लिए विराम देता हूँ। जय श्री राम।